आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। पीएम मोदी के कार्यक्रम में बदलाव, आज हिमाचल प्रदेश के ऊना और चंबा का करेंगे दौरा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की चार देशों के वित्त मंत्रियों से मुलाकात, द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। बहराइच में बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ी है प्रदेश सरकार, अन्नदाताओं को फसल क्षति का मिलेगा उचित मुआवजा। लखनऊ में अब्बास अंसारी की सरगर्मी से तलाश जारी, एक लाइसेंस पर कई हथियार रखने का मामला। उन्नाव में पटाखों को लेकर चला चेकिंग अभियान, अधिकारियों ने व्यापारियों को दिए निर्देश। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। मऊ सदर विधायक अब्बास अंसारी पर एक लाइसेंस पर धोखाधड़ी से कई शस्त्र रखने का आरोप है और साल 2019 में महानगर थाने के प्रभारी ने अब्बास अंसारी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि अब्बास अंसारी ने साल 2012 में लाइसेंस लिया था, जिसके बाद शस्त्र लाइसेंस को दिल्ली वाले घर में के एड्रेस पर ट्रांसफर करवा लिया। इसके बाद उन्होंने धोखाधड़ी से कई हथियारों की खरीद की। उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री एके शर्मा ने बुधवार को प्रदेश में बाढ़ प्रभावित जिलों में बाढ़ राहत एवं प्रबंधन कार्य की समीक्षा की और उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों के नगर निकायों में राहत बचाव व संचारी रोगों के निवारण के लिए जरूरी व्यवस्था करने के निर्देश दिए। वहीं माननीय मंत्री जी ने जल भराव की स्थिति में पानी की बेहतर निकासी सुनिश्चित करने और जिन इलाकों में पानी निकल गया है वहां सफाई करके दवा का छिड़काव सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। खबर लखनऊ से है, जहां मदरसों के सर्वे पर बोर्ड के चेयरमैन ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर बयान देते हुए कहा कि रिपोर्ट पेश होने के बाद ही स्थिति साफ होगी और गलत कामों पर कार्रवाई करना सरकार का हक है। बता दें कि कुछ जिलों में अभी भी सर्वे का काम जारी है। देखिए, पूरे प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, पूरे प्रदेश के हर जिलों में सर्वे हो रहे हैं, तो हर चीज की रिपोर्ट यहाँ तक तुरंत नहीं आनी है। 5 तारीख तक सर्वे की रिपोर्ट को जिलाधिकारी के जरिए से फिर 25 को यहाँ शासन को आना है। अभी उसकी एनालिसिस चल रही होगी, वहाँ वो लोग डेटा कलेक्ट कर रहे होंगे। बहुत जगह पे हो चुका है, कुछ जगहों पे चल रहा है, लेकिन कोई अथेंटिक जानकारी इस तरह की अभी हम तक नहीं पहुंच पाई है। ये सारी चीज़ें 25 अक्टूबर के बाद ही हो पाए, कितने मदरसे जो गैर मान्यता प्राप्त हैं वो जिलों में काम कर रहे हैं। जा रही है नहीं, कार्रवाई जो अगर गलत होंगे तो कार्रवाई तो गलत कामों की कार्रवाई करने सरकार तो बैठी हुई है, लेकिन मदरसों का ये सर्वे जो हो रहा है उसमें गलत और सही का कोई मूल्यांकन नहीं करना था। खबर थाना अकराबाद क्षेत्र के पेट्रोल पंप के पास की है, जहां एक निजी स्कूल बस ने चालक सवार दादी और पोते को टक्कर मार दी और मौके से बस लेकर फरार हो गया। टक्कर के बाद दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको स्थानीय लोगों ने उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। लेकर आया था, मेरे साथ ही डोगरी बैठी थी, मैंने हॉर्न लगाया, ब्रेक भी लगाई, पर उसने बस वाले ने ना सुना बिल्कुल भी। अच्छा। और मतलब घुसेड़ गए एकदम और चलागा सीधा, जे तक ना देखी कि मेरे लगी या ना लगी, रोकी तक ना उसने गाड़ी। आप कहाँ जा रहे थे? मैं तो साथ नहीं आ रहा था। अच्छा, बस वाला कहाँ से आ रहा था? बस वाला इधर वहीं से आ रहा था, अकराबाद मऊ से। अच्छा, फिर पेट्रोल टंकी के सामने हुआ बिल्कुल। खबर अलीगढ़ के थाना रोरावर क्षेत्र अंतर्गत अलदुआ मीट फैक्ट्री का है, जहां बीते दिनों मीट फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव हुआ था, जिसके चलते फैक्ट्री में काम करने वाले महिलाओं सहित कुल 59 मजदूर बेहोश होकर जमीन पर गिर गए थे। वहीं घटना के बाद सूचना मिलने पर जिला प्रशासन के हाथ पैर फूल गए और आनन फानन में सभी बेहोश मजदूरों को जेएन मेडिकल
में भर्ती कराया गया, जहां उनका लंबे समय तक उपचार चला। वहीं घटना के बाद पुलिस जांच में फैक्ट्री मालिक व फैक्ट्री के अन्य अधिकारियों की लापरवाही के दर्शाते हुए कुल 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया, जिसमें पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद बहराइच के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे करने के उपरांत मोतीपुर पहुंचकर बाढ़ प्रभावित गांव में लोगों को बाढ़ राहत सामग्री के तौर पर 10-10 किलो आटा, चावल व आलू, अरहर की दाल, हल्दी, मिर्च व धनिया, नमक तथा 1 लीटर रिफाइंड तेल, आयुष किट और 1 कम्बल का वितरण किया। और माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समय बाढ़ का नहीं है, लेकिन संभवतः पहली बार अक्टूबर महीने में इस क्षेत्र में हम सबको बाढ़ के बारे में देखने और सुनने को मिल रहा है। पहले से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कहीं जनहानि होती है तो जनहानि पर तत्काल संबंधित प्रभावित परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता, बाढ़ अथवा किसी आपदा में अंग भंग होने पर भी अमन सहायता तत्काल उन्हें उपलब्ध करवाने, जिनके आवास पूरी तरह नदी में विलीन हो गए हैं, बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, मुख्यमंत्री आवास योजना में एक आवास उपलब्ध करवाने, जिनके आवास आंशिक क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें भी आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। हम लोगों ने प्रदेश पहले ही हर जनपद को निर्देश जारी किए हैं कि जहां पे सूखा से, बाढ़ से फसल को नुकसान हुआ है उसका आकलन करके अविलंब अपनी रिपोर्ट दें, जिससे आर्थिक सहायता सभी पीड़ित परिवारों को उपलब्ध करवाई जा सके। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में पति ने अपनी ही पत्नी पर चाकू से वार कर घायल कर दिया, जिसके बाद पत्नी को बेहद गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं हत्या की वजह पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस हत्यारोपी पति की तलाश में जुट गई है। हम तो पड़ोस में रहते हैं और हमने बाहर आकर देखा तो यहाँ पर पड़ी हुई थी, जैसे बाहर निकल गया तो उनका आदमी इधर को भागा चला गया, हमने पकड़ने की कोशिश करी, दिखा नहीं। तो महिला किस अवस्था में दिखी आपको? गंभीर थी। उसको किस चीज से वार किया गया था? छुरी से किया गया था। उनका क्या नाम है? सब्बो। आपकी बहन के साथ अभी क्या घटना हुई है? जी वो मतलब उस अपनी लड़की से चद्दर मांग रहा था, तो इसने चद्दर दी सभा ने, तो सभा को मारने लगा, और जब सभा को मारने लगा तो मेरी बहन की आवाज आने लगी, हमने जाके देखा तो वो चाकू से मार रहा। हम जैसे बचाने को गए पड़ोस वाले हम, तो उसने जो ना हमारे पीछे भी भागा, हम निकल के बाहर चले गए, मोहल्ले वालों ने हमें अपने घर में घुसा लिया, तो निकल के वो सीधा भाग गया। हम जब आए तो हमारी बहन दरवाजे पे गिर गई, हमने उठा लिया गोद में। उन्नाव में दिवाली के लिए पटाखों की दुकान सज चुकी है। वहीं पटाखा बाजार में मानकों और सुरक्षा को लेकर देर रात तक अधिकारियों ने दुकानों में चेकिंग अभियान चलाया। उन्नाव सदर SDM सदर अंकित शुक्ला, CO सिटी आशुतोष कुमार ने आगामी दीपावली को देखते हुए उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित अब्बासपुर में पटाखों की दुकानों का निरीक्षण किया, साथ ही पटाखा व्यापारियों के लाइसेंस चेक किए। अधिकारियों ने चेकिंग के दौरान व्यापारियों को कई निर्देश भी दिए। उन्नाव को लेकर पटाखों को लेकर व्यापारियों के लाइसेंस भी चेक किए गए। उन्नाव में दीपावली को देखते हुए चेकिंग अभियान चलाया गया।
खबर राजधानी लखनऊ के काकोरी थाना नारायणपुर रोड ग्राम बेहटा के पास का है, जहां पर गौ हत्या का मामला सामने आया है। बैल और गाय को मिलाकर कुल 6 जानवरों को रात के अंधेरे में काट कर खेतों में फेंक दिया गया और मांस भरकर आरोपी रात में फरार हो गए। सुबह जब किसान को पता चला तो किसानों ने काकोरी पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद दुबग्गा एसपी और समदा चौकी प्रभारी भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर मामले की जांच में जुटे। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।